वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मुन्ना आलम और आप देख रहे हैं टेक्निकल भेंट। मेरे भाई आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऑलरेडी आरडीएसपी सीएसपी का मर्चेंट लोन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि जो भी मर्चेंट आईडी यूज करते हैं उनको लोन मिलना स्टार्ट हो चुका है। मर्चेंट आईडी को लोन मिलने का क्या कंडीशन है और क्या प्रोसेस है, आज हम आपको पूरा जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज यार लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आरडीएसपी सीएसपी का जो मर्चेंट आईडी यूज करते हैं उसको लोन कैसे मिल सकता है। आपका जो नजदीकी बीएमओ है, यानी कि आप जिसके पास से आरडीएसपी सीएसपी मर्चेंट आईडी लिए थे, आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा और आपका सिविल स्कोर चेक किया जाएगा। सब कुछ अपडेट करने के बाद आपको भी 3 महीने 4 महीने का बैंक स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको 50,000 तक का लोन मिल सकता है। और जो प्रोसेस कस्टमर का था लोन मिलने का, 4 वीक आपको आरडी चलाना पड़ेगा, सेम आपको 4 वीक आपको भी आरडी चलाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका भी लोन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी बहुत सारे एरियाओं में अभी लोन स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे कि हमारे अभी वेस्ट बंगाल में अभी कहीं कहीं जगहों पे लोन स्टार्ट नहीं है, मर्चेंट आईडी हमारे बिहार में चालू हो चुका है। तो ऐसा ही आप लोन ले सकते हैं एंड जब भी स्टार्ट होगा वेस्ट बंगाल में उसका भी हम अपडेट कर देंगे। अगर आप चाहे तो आप अपना नजदीकी एरिया का जो बीएमओ है वहाँ से बात कर लीजिए, लोन के बारे में बहुत ही ज्यादा जानकारी मिल जाएगा एंड आपको वहाँ से लोन भी मिल जाएगा। एंड आरडीएसपी सीएसपी जो है उसका कस्टमर को आप लोन नहीं दे सकते, अभी फिलहाल अभी कोई लोन नहीं दे सकते, प्रोडक्ट लोन भी नहीं एंड आप कैश लोन भी नहीं दे सकते जब तक इसका स्टार्ट नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी हमारी अच्छा लगा आपको, तो प्लीज यार लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल में नया सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई।